हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ट्रिक्स लेकर आया हूँ यूट्यूबर्स के लिए, और बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आप अपने वीडियो के आउट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा आप वीडियो के इन में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है और आई होप कि आपको पसंद आएगी, और आप भी अगर स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहेंगे तो आप आराम से ये सीख जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत ही प्रोफेशनल एक ट्रिक है, कोई नॉन प्रोफेशनल भी नहीं है। तो चलते हैं हम काइनमास्टर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड किया है, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक पिक्चर ली है, ठीक है, वॉलपेपर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज आउटरो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको अपनी वीडियो के लिए जैसी भी एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और ये उसके बाद मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करूँगा। फॉन्ट चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ बड़ा कर दूँगा, कुछ इस तरह से। बड़ा करने के बाद मैं इसकी जो सेटिंग है वो देख लूँगा, क्या आउटलाइन वगैरह, कलर वगैरह जो आपको रखना हो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर रेड रख रहा हूँ तो ये मुझे सूटेबल लग रहा है। उसके बाद मैं शेडो लगा दूँगा, शेडो लगाने के बाद ग्लो कर दूँगा। ग्लो मैंने इसको येलो से ही किया है, ठीक है। ग्लो करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये यहाँ तक इसको स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऐड कर रहा हूँ। इफ़ेक्ट का नाम है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वीडियो ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको मिल जाएगा काइनमास्टर के स्टोर से, ये आप डाउनलोड कर लेना। इसका पहले वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, परस्पेक्टिव वन, ओके। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा, यहाँ पर स्टेप को पूरे को फॉलो करते रहना, ठीक है। ये फुल स्क्रीन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अब इसकी सेटिंग करूँगा। ये सेटिंग ज़रा ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैं -52 रख रहा हूँ, और ये जो इसका मैं एक्सटेंड एक्स है इसको भी मैं कुछ थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि एक प्रोफेशनल सा लुक आ जाए। यहाँ पर मैं इसको 40 तक कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद फिर इसको मैं कर दूंगा, इसको हम इतने ही रहने देंगे, ठीक है। और ये आप इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको दिल आपका दिल करता है आप कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, और रोटेशन नहीं लगानी यहाँ पर रोटेशन, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। तो इसको मैं वापस 0 ही कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पर वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, तो ये वाइट करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब हम इसमें इन एनिमेशन लगाएंगे। इन एनिमेशन मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये वाली आपको जो सही लगे आप लगा लेना, ठीक है। और इसको हम ऐसे फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। ये फुल स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर इतना चलने के बाद यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने डाउनलोड की हुई है पिक्सआर्ट से, आपको वहाँ से ये मिल जाएगी। वॉकिंग आप लिखोगे, आप वहाँ पर लिखोगे वॉकिंग वीडियोस, तो वहाँ पर ये आ जाएगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेना। ये ऐड करने के बाद इसकी मैं ओपासिटी कम कर दूंगा, मैं इसकी ओपासिटी कर रहा हूँ 70 तक, ठीक है। ये 70 पे सही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही ये ऐड होता है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी इन एनिमेशन लगाता हूँ। इन एनिमेशन मैंने इसको फेड ही दिया है। इन एनिमेशन देने के बाद मैं यहाँ पर एक सब्सक्राइब का टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो सही लगे आप कर लेना, आप अपने चैनल का नेम भी रख सकते हो, या मोर वीडियोज़, या शेयर, या कमेंट्स, कुछ भी जो आपको सही लगे रख सकते हो। और अभी मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इन एनिमेशन लगाऊंगा, इन एनिमेशन फेड ही रखना है हमने इसका, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूंगा, कलर मैं यहाँ पर रेड रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ऑप्शन में जाके इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। रॉ में इसको इंक्रीज़ कर दिया मैंने। इंक्रीज़ करने के बाद रॉ में मैं इसकी आउटलाइन लगा दूंगा। आउटलाइन जो है मैं इसकी ब्लैक रख रहा हूँ, नहीं सॉरी वाइट रख रहा हूँ, ठीक है। वाइट रेड के साथ अच्छा लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, इसका वेट थोड़ा सा कम कर दूंगा। मैं +2 पर इसको रख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ये सूटेबल लग रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसमें फिर एक शेडो ऐड कर रहा हूँ। शेडो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको फुल कर दूंगा, ठीक है। फुल करने के बाद, शेडो ऐड करने के बाद मैं इसमें ग्लो लगा रहा हूँ। ग्लो मैं इसमें रेड ही लगाऊंगा, ठीक है। आपको जो सही लगे आप लगा लेना। ये रेड लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं
तो ये कुछ इस तरह से हम इसको प्रीव्यू देख लेते हैं। सो बाय द वे ये कुछ इस तरह से ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन एक आउटरो बन गया और ये बहुत ही प्रोफेशनल है, मतलब बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद हम वीडियो फेड इन लगा देंगे और फेड आउट भी लगा देंगे, ठीक है। फेड इन में यहाँ पर लगा रहा हूँ 1 सेकेंड का और फेड आउट में लगा रहा हूँ यहाँ पर 2 सेकेंड का, ठीक है। ये लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो इस तरह से तैयार हो चुकी है। तो भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको और वीडियोस और डिटेल्स मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।